हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का अस्तित्व खतरे में है। यदि यहाँ पे आप आए हैं तो ये पूरी वीडियो देखकर जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या प्राइवेटाइजेशन होगा या उसे गवर्नमेंट देखेगा? गवर्नमेंट देखेगा तो वैकेंसियाँ आएंगी कि नहीं आपके लिए, या वैकेंसियाँ आएंगी तो कितना कम आएगा, पहले जैसा है नहीं। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सारे नियम बदल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का अस्तित्व खतरे में है, जैसा कि पेपर में हेडलाइन भी आया है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, एक नज़र में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, यहाँ पे एक नज़र में देख लीजिए कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो देश में है, इन सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 फैक्ट्रियों में बस हो जा रहा है। यानी कि 41 जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, अब पूरे इंडिया में सिर्फ 7 फैक्ट्रियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 80,000 कर्मचारी जो हैं अस्थायी रूप से इसमें वर्क करते हैं, और 30,000 जो कर्मचारी हैं ये अस्थायी रूप से वर्क करते हैं। तो इनके भी जॉब के ही खतरा है। यानी कि अब 80,000 वैकेंसी जो यहाँ पे जॉब लगे हुए हैं, फ्यूचर में ये वैकेंसी अब नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी हम जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें से 5 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सिर्फ कानपुर में है, और 12,000 कर्मचारी केवल कानपुर में वर्क करते हैं। 12,000 जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद है, और बहुत बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रिक्रूटमेंट आता है, जो कि कैंडिडेट जो भी छात्र होते हैं उनका फ्यूचर बनता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। लेकिन अब क्या ये बदल जाएगा, सारा मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। देखिए, देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में बांटने के ऐलान के साथ उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी संस्थाओं का आर्डर जो है न देने की वजह से इन फैक्ट्रियों को बीमार कर दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो 41 फैक्ट्रियाँ हैं वो कितने में मर्ज हो रहा है, वो टोटल 7 फैक्ट्रियों में मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि युद्ध के समय, जब भी युद्ध हुआ है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बहुत मात्रा में हमारे सैनिकों को हेल्प करता है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे आयुध कारखानों के लिए यह कल्पना करना कठिन हो जाएगा कि कारगिल जैसे युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध, बंगला मुक्ति युद्ध, यहाँ तक कि लद्दाख में जो युद्ध हुए हैं, इन सभी के वजूद मिटने जा रही हैं। संगठन का वजूद क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, यदि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 हो जाएगा, 41 से घटकर 7 हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए आपके लिए जॉब कितना आएगा। ठीक है, और इसकी बात जो है, ये अभी 7 जो 7 बनेंगी कंपनियां, ये भी किसको संभालने के लिए दे दिया जाएगा, तो ये संभालने के लिए दे दिया जाएगा निजीकरण के। ठीक है, साथ में ये भी कहा गया कि निगमीकरण के बाद भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ 100% सरकार के अधीन रहेगी, लेकिन सेबी के नियमों के मुताबिक दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ सूचीबद्ध होंगी तो कंपनियां हिस्सेदारी निजी सेक्टर में देनी होगी, और ये निजी सेक्टर में जाएगा तो आपको कर्मचारी जो चयन होता है, जो गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए, ये सभी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये देख रेख किसके अंदर में होगा, निजी हाथों में। तो यहाँ जो सबसे बड़ी ये बात है, 20 को हड़ताल प्रस्ताव पारित किए हुए हैं, जो कि बृहस्पतिवार को क्या होगा कि यहाँ पे, यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि कल, यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हैं उसको हड़ताल पे रहेंगे। ठीक है, क्या क्या होगा नुकसान, देखिए 220 साल पुराने प्रतिरक्षा संगठनों का ढांचा ढह जाएगा, जो विश्व के सबसे बड़े प्रतिरक्षा संस्थानों में से एक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखिए, जो विश्व में भी क्या है, प्रतिरक्षा संस्थानों में से एक है, वो क्या हो रहा है, उसका नींव ढह रहा है। दूसरा जो है, जो उत्पादन हम बना रहे हैं उसे बाहर से आयात करते हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रिया के न रहने पर मनमानी कीमत वसूली जाएंगी, मोल भाव करने की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, युद्धकाल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो हैं रातों दिन बिना मुनाफे की फिक्र किए उत्पादन किया, लेकिन निजी कंपनियों के मामले में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अब देश में युद्ध अगर हो रहा है किसी देश से, तो ये मनमाने ढंग से काम करेंगे निजी फैक्ट्रियाँ। OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को छोटी कंपनियों में विभाजित करने से एक छत के नीचे सब कुछ उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाएगी, जो अब भी फिलहाल में क्षमता अधिक है वो क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 7 कंपनियों में तब्दील करने का ऐलान से नाराज हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी। निगमीकरण के विरोध में गुरुवार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन करते कर्मचारी। ठीक है,
और ये क्या करेंगे, 7 कंपनियों में तब्दील करने के ऐलान विरोध में प्रतिरक्षा कर्मी, फैक्ट्री से जुड़े सभी कर्मी जाएंगे अनिश्चितकाल के हड़ताल पे। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। यदि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7 कंपनियों में तब्दील हो जाएगी तो आपका जॉब मिलने का चांस भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग भी विरोध करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत से स्टूडेंट कैंडिडेट जाते हैं जिनका फ्यूचर बनता है, उनके फ्यूचर की वजह से उनकी फैमिली और उनका बैकग्राउंड सुधरता है। तो यहाँ पे बहुत ही मात्रा में ये बहुत ही कम हो जाएगा। सोचिए 80,000 अस्थायी कर्मचारी जो हैं और 30,000 अस्थायी कर्मचारी यहाँ पे वर्क करते हैं, यानी कि देखा जाए OAB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में टोटल 110,000 वैकेंसी रिक्रूटमेंट आउट करती है किस वॉरियर्स पोस्ट के लिए। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 7 कंपनियों में बन जाएगा, छोटे छोटे कंपनियां हो जाएंगी और उसका भी निजीकरण के हाथ में दे दिया जाएगा वर्क करने के लिए, रहेगा सरकार के अधीन में। ऐसे इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं सरकार के अधीन ही खुलती हैं, लेकिन सभी उसमें जो निजीकरण के हाथ में चला जाता है तो उसका देख रेख निजीकरण करता है, उनकी सैलरी घट जाती है, उनका जो TA DA और अलाउंस है वो सारी घट जाती हैं और आप दिनों रात वर्क करते हैं और कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी नुकसान होने वाला है, अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करें, कोई कंपेरिजन चलाएं अधिक से अधिक। ठीक है, मैं इसका ऑफिशियल भी एक नोटिस जारी किया गया है, उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से दिया गया है। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, और देखिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चैनल पे सबसे पहले लाता हूँ, तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और सब्सक्राइब करके रखें, यदि अभी नहीं किया तो सपोर्ट किया करें कि सभी तक आपकी सूचनाएं पहुँचती रहें। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, तब तक लिए बाय, टेक केयर और अपनी तैयारी करते रहें, धन्यवाद। और दोस्तों ये जो कटिंग है पेपर कटिंग आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी खास बात दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेरी ले रही है, क्वेरी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और दोस्तों सक्सेस वी ब्लॉग चैनल बना हुआ है जिस पे हम अपनी डेली लाइफ की बातें शेयर करता हूँ, तो अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सक्सेस वी ब्लॉग का, तो वहाँ से आपको भी अपनी लाइफ की रूटीन पता चल जाएगा, क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको डेली लाइफ वहाँ पे डेली लाइफ बेसिस आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की निजीकरण से रोका जाए और ये तब्दील भी हो रही ये भी रोका जाए, क्योंकि सोचिए 80,000 और अस्थाई कर्मचारी और 30,000 अस्थाई कर्मचारी की यहाँ पे वैकेंसी आउट होती है जो कि फिलहाल ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है।